नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का संयुक्त राष्ट्र महासभा से स्पष्ट संदेश, हमास के आत्मसमर्पण तक जारी रहेगी जंग। हमास की 24 में से 23 बटालियन को मिटाने का किया दावा, ईरान को कड़ी चेतावनी, अगर हमला हुआ तो मिलेगा करारा जवाब। इजराइल का लेबनान में भीषण हमला जारी, लेबनान में जमीनी हमले की तैयारी में इजराइल, उत्तरी सीमा में शुरू की सैन्य तैनाती, सीमा के करीब भेजे गए अतिरिक्त टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां, बुलाए गए रिजर्व सैनिक। पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा होंगे जापान के नए प्रधानमंत्री, चुने गए सत्तारूढ़ दल एलडीपी के प्रमुख, एलडीपी अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, फुमियो किशिदा की लेंगे जगह, किशिदा ने पार्टी नेतृत्व का चुनाव लड़ने से कर दिया था मना। अमेरिका के फ्लोरिडा समेत कई राज्यों में तूफान हेलेन का कहर, फ्लोरिडा तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा तूफान, करीब 1,20,00,000 लोग प्रभावित, 1,000 से अधिक उड़ानें रद्द, कई इलाकों में भारी बाढ़ और भूस्खलन का खतरा। और आइए सबसे पहले आपको एशिया की ओर लिए चलते हैं। और इस वक्त एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आ रही है, दक्षिणी बेरूत में इजरायली सेना का भीषण हमला। इजरायल ने भीषण हमला किया है दक्षिणी बेरूत में, हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाया है। इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है ये, हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह निशाने पर था ये बताया जा रहा है। ये जो कमांड सेंटर था वहाँ पर नसरल्लाह मौजूद था, ये खबर जो स्थानीय मीडिया है उसके द्वारा दी जा रही है। लेकिन नसरल्लाह काफ़ी बंकरों में मौजूद था, जिस तक इजरायली जो हमला हुआ है वो हमला शायद वहां तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इस तरह की खबर आ रही है कि नसरल्लाह इस हमले में बच गया है। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है, इजरायल ने दक्षिणी बेरूत में भीषण हमला किया है, जो हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर है उस पर ये हमला किया गया है। हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ इजराइल के सैन्य अभियान के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो इस बार यूएनजीए में भाषण नहीं देना चाहते थे, लेकिन इजराइल को लेकर फैलाए जा रहे झूठ ने उन्हें अपने देश का पक्ष रखने पर मजबूर कर दिया। इजरायली सेना का लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमला जारी है। अब तक के हवाई हमलों में इजरायल हिजबुल्लाह के कई वरिष्ठ कमांडरों को ढेर कर चुका है। इजरायल हिजबुल्लाह को बार बार चेतावनी दे रहा है कि अगर रॉकेट हमला बंद नहीं किया तो उसका भी हश्र हमास जैसा ही होगा। हिजबुल्लाह पर बड़ी कार्रवाई के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो इस बार यूएनजीए में भाषण नहीं देना चाहते थे, लेकिन इजरायल को लेकर फैलाए जा रहे झूठ ने उन्हें अपने देश का पक्ष रखने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने दो नक्शे दिखाए, एक तरफ भविष्य की उम्मीद है तो दूसरी तरफ भविष्य का अंधकार। इजरायली पीएम ने इराक, सीरिया और ईरान को इलाके के लिए श्राप बताया। उन्होंने कहा, हिजबुल्लाह जब तक युद्ध का रास्ता चुनता रहेगा इजरायल के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने हिजबुल्लाह को समर्थन देने वाले ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, ईरान में कोई ऐसी जगह नहीं जहां इजरायल नहीं पहुंच सकता है, अगर हमला होगा तो जोरदार जवाबी कार्रवाई भी होगी। नेतन्याहू ने ईरान को पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया। नेतन्याहू ने कहा कि जंग खत्म हो सकती है अगर हमास आत्मसमर्पण कर दे। उन्होंने दावा किया, हमास के अधिकतर सदस्यों को या तो मार गिराया गया है या पकड़ लिया गया है। उन्होंने साफ किया कि जब तक बंधकों की रिहाई संभव नहीं हो जाती वो रुकने वाले नहीं हैं। Israel seeks peace. Israel yearns for peace. Israel has made peace and will make peace again. Yet we face savage enemies who seek our annihilation, and we must defend ourselves
against these savage murderers. Our enemies seek not only to destroy us, they seek to destroy our common civilization and return all of us to a dark age of tyranny and terror. उधर शुक्रवार को इजराइल ने लेबनान सीमा पर अतिरिक्त टैंक और बख्तरबंद वाहन समेत दूसरी सैन्य तैनाती कर दी है। इसके लिए इजराइल ने अपने रिजर्व सैनिकों को बुलाया है। बताया जा रहा है कि इजराइल उन सैनिकों को लेबनान में घुसकर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने को कह रहा है। रक्षा मंत्री यो गैलेंट इन सैनिकों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि पिछले दो हफ्तों में आपने जो देखा है उससे हिजबुल्ला संगठन में बदलाव आया है। इजरायली सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें हिजबुल्ला के ठिकानों को ध्वस्त करते हुए दिखाया गया। इसमें हाइफा पर रॉकेट दागने के लिए इस्तेमाल किया गया एक लॉन्चर भी शामिल है। गुरुवार को इजरायल ने हिजबुल्ला के ड्रोन कमांडर को भी मार गिराया था। मोहम्मद सरूर इजरायल पर कई हमलों का जिम्मेदार बताया जाता है। 17 और 18 सितंबर को हिजबुल्ला के पेजर वॉकी टॉकी में हुए विस्फोटों के बाद शुरू हवाई हमले के बाद से अब तक करीब 800 लोग मारे जा चुके हैं। शुक्रवार को हमले में करीब 25 लोग मारे गए। है कि लेबनान में 2,00,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा कि पिछले 72 घंटों में 30,000 से अधिक मुख्य रूप से सीरियाई नागरिक लेबनान छोड़कर जा चुके हैं। उधर हुती ने तेल अवीव पर रॉकेट दागने का दावा किया है, लेकिन इजराइल ने इसे बीच में ही मार गिराने की बात कही है। हुती ने लाल सागर में 3 अमेरिकी विध्वंसक जहाजों को भी निशाना बनाने का दावा किया है। पिछले दिनों अमेरिका और फ्रांस सहित दूसरे देशों ने भी 21 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इजराइल इससे इनकार कर रहा है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता जेसिका जुड़ रही हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जेसिका, अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल का जो कॉज है उसको तो दुनिया भर में काफ़ी समर्थन मिल रहा है, लेकिन इसराइल का जो तरीका है उसको उतना समर्थन नहीं मिल रहा है। अभी जो लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है उसको लेकर भी अमेरिका सहित कई देशों ने कहा कि आप 21 दिन का सीज फायर कीजिए। तो इस सब के बीच क्या लगता है, आज की जो स्पीच थी बेन्यामिन नेतन्याहू की, वो अपने लिए कुछ समर्थन जुटा पाई होगी? इस समय प्रेशर तो काफी बनाया जा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल के ऊपर। जिस तरीके से आप देख रहे हैं रॉकेट अटैक्स हो रहे हैं और इसराइल का भी जिस तरीके से रिस्पांस रहा है अभी तक हिजबुल्ला को लेके, आपको याद होगा युवा कलांत ने कुछ समय पहले ही ऐसा बोला था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब जो अब तक गाजा में देखने को मिला था वो अब लेबनान की तरफ शिफ्ट हो रहा है जो कि नॉर्थ साइड है इसराइल की, और वहां पे इसीलिए एक वॉर स्ट्रैटेजी बन रही है। जिस तरीके से उनको सारे जितने भी नागरिक हैं, करीबन 60,000 इसराइली नागरिक हैं जो वहां से विस्थापित हुए थे, उनको वापस लाने का प्लान है। इससे पीछे इसराइल नहीं हटेगा, और जो 21 दिन का सीज फायर प्लान हमें बताया जा रहा है, काफी सारे देशों ने इसका समर्थन किया है। अगर आप देखें देश उनमें जिन देशों में हम नाम लेते हैं वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी है और कतर भी है, यूरोपियन यूनियन है, फ्रांस है, जर्मनी है, तो काफी सारे ऐसे देश हैं जो इसराइल को इस बारे में प्रेशर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने हमले देखे हैं कुछ पिछले दिनों में, चाहे वो वॉकी टॉकी हो जैसा कि आपने बताया, और उसके अलावा फिर उससे पहले जो हमने देखे हमले पेजर के तहत, तो माहौल जो है पूरे वेस्ट एशिया में फिलहाल तो बहुत गर्माया हुआ है, और काफी सारे जितने भी रेफ्यूजी सिचुएशन है लेबनान में वो भी बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से हमले हो रहे हैं बेरूत में, अभी जो हमें खबर मिल रही है हिजबुल्ला का हेडक्वार्टर्स जो है वो भी टारगेट किया गया है बेरूत में, जो कि बताया जाता है जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, बिल्डिंग्स है, उसके नीचे बनाया गया था, ऐसा कहना है इजरायली डिफेंस फोर्सेस का। डैनियल हंगारी की अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कितनी कैजुअलिटीज हैं, ये खबर अभी भी सामने आ रही है। फिलहाल जैसी बात की जाए हिजबुल्ला और इसराइल की इस लड़ाई के बीच में करीबन 700 लोग हिजबुल्ला में मारे जा चुके हैं, जिसमें से करीब 2,00,000 तो जब से अक्टूबर 7 से ही जब से हमास ने हमला किया था इसराइल पे तब से हट चुके हैं, और इन 5 दिनों में ही करीब 90,000 लोग वहां से विस्थापित हुए हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है ये सिचुएशन और भी गड़बड़ा सकती है आगे जाते हुए, तो सीज फायर प्लान पे तो कोई भी समर्थन नहीं हुआ है, पर इसराइल से उम्मीद है काफी देशों की
कि जिस तरीके से हालात बदतर होते जा रहे हैं पूरे रीजन में, उसको किसी ना किसी तरीके से रुकवाया जाए। जेसिका, जिस तरह से वहाँ पर जो मानवीय समस्याएं वहाँ पर पैदा हो रही हैं, लोग इलाकों को छोड़ के जा रहे हैं, इस सब के बीच इसराइल जिस तरह से आक्रामक हो रहा है, जो बेन्यामिन नेतन्याहू की अपने देश में पॉलिटिकल पोजीशन है, उनकी पार्टी की जो पॉलिटिकल पोजीशन है, जो कुछ इसराइल के अंदर की पॉलिटिक्स है, उसका कितना बड़ा योगदान आप मानती हैं इनके आक्रामक होने में? जी, इस समय जिस तरीके की आप देखें जो गवर्नमेंट है इसराइल में, उस हिसाब से तो काफ़ी प्रेशर है बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी कोलिशन गवर्नमेंट पे कि जो जो इसराइली विस्थापित हुए हैं करीब 60,000, उनको उनके घरों में वापस लाया जाए, क्योंकि वो फिलहाल बेघर हैं और इसराइल को ये ना इसराइल की पॉलिटिकल सर्कल को ना ही उनके लोगों को ये बर्दाश्त है। और हॉस्टेजेस जो नहीं आ पाए हैं, करीब 60 से 70 हॉस्टेजेस भी वापस नहीं आ पाए हैं जो हमास के पास अभी भी हैं, भले ही हमास में अभी भी जारी है ऑपरेशन इसराइल का, पर फोकस नॉर्थ की तरफ चला गया है। जो बॉर्डर फ्लेयर अप शुरू तब हुआ था जब हमास ने हमला किया था इसराइल पे। ये जो वॉर स्ट्रैटेजी है, और रीसेंट और बहुत ही थोड़े समय पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा था कि एक अब वॉर प्लान है, अब एक पॉलिसी है कि उन लोगों को वापस देना है। तो जिस तरीके से इंटरनल पॉलिटिक्स अभी है इसराइल में, लोगों में थोड़ा बहुत गुस्सा भी है क्योंकि हॉस्टेजेस अभी वापस नहीं आए हैं। आप काफी सारे प्रोटेस्ट भी देखते हैं तेल अवीव में होते हुए, लेकिन फिलहाल जिस तरीके का इंटरनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, उसके तहत बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार पे काफी प्रेशर है उन सारे 60,000 लोगों को वापस अपने घरों में पहुंचाने का, क्योंकि 11 महीने बीत गए हैं। काफी लोग इसराइली नागरिक भी इस लड़ाई में काफी जाने जा चुकी हैं। तो जिस तरीके से इसराइल की जनता चाहती है कि इन सब चीजों पे एक प्रतिबंध लगाया जाए, रोका जाए, इस तरीके की जो मांग है वो इसराइल जरूर सुनने को कम से कम कोशिश करेगा, चाहे वो सोल्यूशन मिलिट्री हो। फिलहाल तो सोल्यूशन मिलिट्री ही है इसराइली सरकार का, और वो इससे पीछे नहीं हटने वाली। शुक्रिया बहुत बहुत इस जानकारी के लिए। तो काफी खराब हालात बने हुए हैं और बातचीत और डिप्लोमेसी का कोई स्थान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री सॉल्यूशन इस इलाके में निकाला जा रहा है, और यही कारण है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को हो रहा है, मानवता को इसका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं, बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH. सारी छुरियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। पॉलिसी बाजा करा जिदुशा होके नो हिताकुशी। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा जापानी में समझा देता हूँ। छायो नारा हाथ धोकर आते हैं, साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सारी छुरियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जापान में जल्द ही नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है। सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा को नया नेता चुन लिया है। वो अगले सप्ताह संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही फुमियो किशिदा के स्थान पर प्रधानमंत्री का पद संभाल सकते हैं। दरअसल जापान में सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। जापान की सियासत पिछले कई सालों से उतार चढ़ाव का शिकार है। इसका नतीजा है कि पिछले 4 साल में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 3 चेहरे बदल चुके हैं। अब सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना नया नेता चुन लिया है और एक और बदलाव का रास्ता साफ हो गया है। पार्टी ने पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा को नया नेता चुन लिया है। वो अगले सप्ताह संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री का पद संभाल सकते हैं। दरअसल जापान में सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। एलडीपी पार्टी के पास संसद के दोनों सदनों में बहुमत है। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष चुने गए इशिबा अब जुलाई 2025 तक पीएम पद पर रह सकते हैं। इसके बाद देश में आम चुनाव होंगे। 67 साल के इशिबा ने अपने प्रतिद्वंदी सनाए तकाइची को 21 वोटों के अंतराल से हराया। इशिबा को 215 वोट जबकि तकाइची को 194 मत मिले। इशिबा ने देश की अर्थव्यवस्था को अपस्फीति से पूरी तरह उबरने की आवश्यकता पर बल दिया। हमें बुनियादी तौर पर अपस्फीतिकारी चक्र से बाहर निकलने की जरूरत है और इसके लिए प्रधानमंत्री किशिदा के आपार प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। इशिबा इससे पहले 4 बार पार्टी नेतृत्व के लिए चुनाव लड़ चुके हैं। 2012 में वे शिंजे आबे के खिलाफ भी खड़े हुए थे लेकिन उन्हें हर बार हार का सामना करना पड़ा। इशिबा जापान के रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री रह चुके हैं। 1986 में 29 साल की उम्र में पहली बार संसद पहुंचे, तब वे जापान की संसद के सबसे युवा सदस्य बने थे। जापान में उनकी छवि सख्त और स्पष्टवादी नेता के तौर पर है। वो उत्तर कोरिया और चीन के खिलाफ अपने आक्रामक तेवरों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इन दोनों शक्तियों से निपटने के लिए एशियाई नाटो के बनाने का भी सुझाव दिया है। ताइवान ने उनके नेतृत्व में जापान के साथ संबंधों को और मजबूत करने की बात कही है जबकि चीन ने उम्मीद जताई है कि जापान अपने पड़ोसी के प्रति उद्देश्यपूर्ण और सही रुख अपनाएगा। हमें उम्मीद है कि जापान इतिहास से सीखेगा, शांतिपूर्ण विकास के मार्ग पर चलेगा। चीन और जापान के बीच 4 राजनीतिक दस्तावेजों में स्थापित सिद्धांतों और आम सहमति का पालन भी करेगा। साथ ही इशिबा अमेरिका को लेकर भी काफी मुखर रहते हैं। अमेरिका और जापान दशकों से एक दूसरे के भरोसेमंद सहयोगी हैं। बावजूद इसके इशिबा बार बार इस बात की वकालत करते हैं कि रक्षा और विदेश मामलों में अमेरिका के पीछे चलने के बजाय जापान को ज्यादा स्वायत्तता के साथ काम करना चाहिए। वो जापान पर अमेरिका के प्रभाव को कम करने के पक्षधर माने जाते हैं। अपने प्रचार अभियान के दौरान उन्होंने देश के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को धीरे धीरे बंद करने का वादा किया है। वे एलडीपी की नीतियों से इतर जापान में महिला सम्राट बनने की पैरवी करते हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने 14 अगस्त को पार्टी के नेतृत्व का चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की थी। उनका 3 साल का कार्यकाल इस महीने के अंत में खत्म हो जाएगा। इस दौरान किशिदा पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। छुरियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भले, हाँ पुट्टी भले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुरियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भले, हाँ पुट्टी भले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिका ना।
शक्तिशाली तूफान हेलेन ने अमेरिका के कई राज्यों में तबाही मचा रखी है। तूफान के कारण कई राज्यों में आपातकाल घोषित किया गया है। तूफान की वजह से 1000 से अधिक उड़ानों को रद्द करना पड़ा, जबकि 4000 से ज़्यादा फ्लाइट्स में देरी हुई है। राष्ट्रीय तूफान केंद्र के आंकड़ों के अनुसार हेलेन अमेरिका में आने वाला 14वां सबसे शक्तिशाली तूफान है। अमेरिका के फ्लोरिडा समेत कई राज्यों में एक शक्तिशाली तूफान हेलेन ने जमकर कहर बरपाया है। हेलेन फ्लोरिडा के तट पर टकरा गया है। तूफान हेलेन गुरुवार को फ्लोरिडा में प्रवेश किया। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 225 किलोमीटर प्रति घंटा रही। तूफान की वजह से फ्लोरिडा और आसपास के राज्यों जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया और अलबामा में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इससे करीब 1,20,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। तूफान के दूसरे राज्यों में फैलने की संभावना जताई जा रही है, जिससे 5 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। तूफान की वजह से 1000 से अधिक उड़ानों को रद्द करना पड़ा, जबकि 4000 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी हुई है। हेलेन इस साल अमेरिका में आने वाले सबसे ताकतवर तूफानों में से एक है। इसे कैटेगरी 4 में रखा गया है। इसे विनाशकारी माना जाता है। फ्लोरिडा में बिजली काट दी गई है, जिसकी वजह से करीब 30,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। फ्लोरिडा के गवर्नर डी सेंटिस ने निचले इलाकों में रहने वालों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर चले जाने की सलाह दी थी। तूफान हेलेन के कारण होने वाली भारी बारिश के चलते बाढ़ के साथ साथ बड़े पैमाने पर भूस्खलन की भी आशंका जताई जा रही है। हमने मंगलवार को सभी 159 काउंटियों के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी थी, जिससे आपातकालीन प्रबंधन टीमों को तैयारी करने और तूफान से पहले जहां आवश्यक हो वहां संसाधन तैनात करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। राष्ट्रीय तूफान केंद्र के आंकड़ों के अनुसार हेलेन अमेरिका में आने वाला 14वां सबसे शक्तिशाली तूफान है। फ्लोरिडा की राजधानी तल्लाहासी के मेयर जॉन डेली ने कहा कि ये शहर में आया अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान हो सकता है। इससे शहर को काफी नुकसान पहुंच सकता है। श्रेणी 4 के तूफान के रूप में दक्षिण पूर्वी अमेरिकी तट से टकराने के कुछ घंटों बाद शुक्रवार को तूफान हेलेन श्रेणी 2 तूफान में तब्दील हो गया। हरिकेन हेलेन 2024 अटलांटिक सीजन का 5वां तूफान है, जो नवंबर के अंत तक जारी रहेगा। हरिकेन शक्तिशाली तूफान है जो गर्म उष्ण कटिबंधीय महासागरीय जल में विकसित होता है। विश्व के अन्य भागों में चक्रवात या टाइफून के नाम से इसे जाना जाता है। समग्र रूप से इन तूफानों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता ये है कि इसमें बहुत तेज गति से हवा चलती है, भारी वर्षा और समुद्र में तूफानी लहरें उठती हैं। समुद्र के स्तर में अल्पकालिक वृद्धि भी देखने को मिलती है। समुद्रों के लिहाज से देखें तो अटलांटिक और उत्तर पश्चिम महासागरों में बनने वाले साइक्लोन हरिकेन कहलाते हैं। उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में बनने वाले तूफान टाइफून कहा जाता है। वहीं दक्षिण प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में उठने वाले तूफान साइक्लोन कहलाते हैं। वहीं टॉर्नेडो में भी तेज तूफान होते हैं, लेकिन ये साइक्लोन नहीं होते, क्योंकि ये समुद्र के बजाय ज्यादातर धरती पर ही बनते हैं। सबसे ज्यादा टॉर्नेडो अमेरिका में आते हैं। खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप डीडी न्यूज की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं, और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।